हाय फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। अब सुबह का है टाइम और गर्मी का टेम्परेचर हो गया है बहुत ज़्यादा। अभी से ही एक भी पेड़ का पत्ता बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। देखो, आप देख सकते हैं ये पेड़ और ये हमारा झंडा, बिल्कुल भी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इधर डॉगी भी आ गए हैं, कर रहे हैं इंतजार ब्रेकफास्ट का। इधर डॉगी आ गए हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए। जैसे बच्चों को ज़रूरत होती है, ऐसे ही इनको भी। ये भी बेचारे सुबह दरवाज़ा खुलते ही आ जाते हैं कुछ मिल जाए। बाकी पापा मम्मी ने बोल रखा है कम से कम 8 से 10 रोटी हम इनके लिए एक्स्ट्रा बनाते हैं और इनको ज़रूर डालते हैं। अगर रोटी ख़त्म भी हो जाए तो दोबारा आटा लगा के बनानी पड़े, लेकिन बनवा के रहते हैं पापा। और इधर देखो सूरज देवता, अब बच गई हैं 6, थोड़े थोड़े प्रकट हो रहे हैं और अपनी गर्मी का प्रचार कर रहे हैं सभी के ऊपर। देखो चला गया डॉगी अपना ब्रेकफास्ट करके। इधर हमारा घी भी, ये मैंने कल गर्म किया था और फिर इसे रख दिया फ्रिज में। अब हर बार की तरह इसमें एक होल किया, सारी छाछ बाहर निकाली और अब इसे रख दिया है। अब मैं बीच बीच में इसे चेक करती रहूँगी। बाकी अब मैं सोच रही हूँ पहले भैंसों का काम निपटा जाती हूँ, झाड़ू लगाना, क्योंकि बच्चों का तो हॉलीडे आज, उनका कल इलेक्शन है। पता नहीं उसकी वजह से, मैंने वैसे मैसेज पढ़ा नहीं था, बच्चे ही बोल रहे थे कि मम्मी कल की छुट्टी है, मैसेज आया है फ़ोन पे, ये वो मुझे रात में बता रहे थे सोते टाइम। तो बाकी देखो जैसे भी किसी भी वजह से है, कल इलेक्शन है, कल हो जाएगी 25 मई। और अभी 6:15 के आसपास टाइम हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ पहले भैंसों का कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में पापा भैंसों को नहवाएंगे तो फिर मुझे थोड़ी सी देर में टाइम लगेगा। अगर रोटियों पे बैठगी तो रोटी करने के बाद मेरा टाइम लगेगा। तो हर बार की तरह मैं पहले करती हूँ कुट्टी चालू और अब लग जाती हूँ। ये गोबर मैंने भर के रख दिया था पहले ही। और फ्रेंड्स, अभी तक मम्मी आई नहीं है, ना इंसान की मजबूरी में जाता है कि ना चाहते हुए भी सब कुछ करना पड़ता है। तो किसी को भी एक हफ्ते में और हवा भी थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है फ्रेंड्स, ज़्यादा तो नहीं चल रही है, हल्की हल्की सी। इधर मम्मी के काम की ड्यूटी आ गई है दादा और पोते को, तो वो थोड़ा सा खेत में से जाके ले आए थे सांटी और कुछ जो हमारी अपने घर की ज्वार है उसे उसमें मिला। पानी है ना, तो डॉगी भी वहाँ बैठा हो पानी के वहाँ, ताकि इसे ठंडक महसूस हो सके। क्या करे भाई, गर्मी इतनी हो रही है, जानवर परेशान है, पशु पक्षी और इंसान तो है ही है सब। और अभी हमारे घी में थोड़ा सा टाइम है, तो मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर लेती हूँ, क्योंकि फिर रह जाएगा तो रह ही जाएगा, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ। वैसे इस कंडीशन में घी को थोड़ा धीमी आंच पे करना चाहिए, लेकिन अब मैं बैठी हूँ, अगर मैं बाहर इधर उधर चली जाती तो शायद बिल्कुल मंदी करके जाती, जैसे कि मैं पीछे का गोबर डालने गई थी जब मैं बिल्कुल मंदी करके गई थी आँच, ताकि धीरे धीरे चलती रहे और लाल ना हो। लेकिन अब मैं बैठ गई हूँ तो अब मैं तेज ही रखूँगी, जो मेरे सामने ही अच्छे से हो जाए।
और ये मैं तब तक करूँगी तब तक जो हमारी नीचे का ये भगोना का पैंदा है, जैसे मतलब कि बिल्कुल नीचे तक साफ़ नहीं दिख जाता ना, मैं तब तक इसे उबालूँगी। और फिर इतना अच्छा घी हो जाता है कि चाहे 10 साल भी रख लो, घी बिल्कुल ख़राब नहीं होता, ना ही किसी भी तरह की महक आती है। और इधर मैं आटा लगाया हूँ, और आज आटा हो गया था, आज आटा हो गया था पतला। अब मैं थोड़ा सा पलोथन ले आई हूँ गैल में, अगर इसे आटा डाल के टाइट करती तो बहुत ज़्यादा हो जाता, तो इसलिए इतना काफ़ी है। और इधर सूर्य देवता को आने में थोड़ा सा लगेगा टाइम, और कोशिश रहेगी कि इतने हमारा रोटी बन जाए। देखो कैसे उबल रहा है, अभी बस कुछ ही देर में हमारा घी अच्छे से हो जाएगा, और फिर रख देंगे हम अपना तवा इस पर। अब जो ये आवाज़ आ रही है ना, इस आवाज़ का है कि अब हमारा घी जल्द से जल्द होने वाला है। देखो किस तरह से आवाज़ आ रही है भगोने में से, तो हम कर रहे हैं इंतज़ार, अभी लगभग लग जाएंगे इसमें 4 से 5 मिनट, कोई ना, फिर इसे करके तभी हम रोटी बनानी शुरू करेंगे। अब हमारा घी हो चुका है, ये देखिए जो बीच में से बबल आते हैं जब छाछ होती है तो उसके आते हैं, और अब घी आ रहा है, और जो इसका पैंदा है वो ठंडा होने के बाद दिखेगा, और जो ये साइड में है ये सब कुछ ब्राउन हो चुका है, तो समझो कि अब हमारा घी बिल्कुल अच्छे से पक गया है। अगर हम इसे ज़्यादा देर और रखेंगे तो ये हो जाएगा लाल और फिर हो जाएगा ख़राब, मतलब कि ख़राब नहीं होता, कलर थोड़ा चेंज हो जाता है तो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो अब हमारा देरी ना करते हुए हम उतार लेते हैं अपने भगोने को। ये बिल्कुल हो गया है ब्राउन, और छाछ का इसमें नहीं है एक टपका भी, एक बूंद भी छाछ नहीं है, और बहुत अच्छे से, और आवाज़ भी आ रही है इसमें से, बहुत अच्छे से घी हमारा हो चुका है। इधर रख दिया तवा, और अब हो जाती है रोटी करने की तैयारी। और हवा चले तो मुश्किल, ना चले तो मुश्किल। अब हल्की हल्की हवा चल रही है तो आंखों पे आ रहा धुआं। अब तो 3-4 दिन हो गए इसी तरह से रोटी करनी पड़ती है, धुआं आ जाता है मुंह पे, पर कोई ना, करना है तो करना है। तो फ्रेंड्स हमारी रोटी सीखी गई है सारी, और धुआं आया तो था लेकिन इतना नहीं, थोड़ा थोड़ा धुआं आया था। और ये देखिए फ्रेंड्स हमारा घी बिल्कुल अच्छे से हो गया। अब देखो आपको इसमें नीचे का ये पैंदी दिखाई दे रही होगी, तो अब समझो कि घी अच्छे से पक गया, और इसमें बिल्कुल भी छाछ नहीं है। अब जो नीचे जो छाछ थी वो नीचे जम गई है, मतलब कि छाछ जल गई है। अगर इससे ज़्यादा रखते ना तो फिर तो घी ज़्यादा घी की जलने की बारी आती है, लेकिन अब हमारा घी बिल्कुल अच्छे से हो चुका है, और रोटी भी हो गई है फारीक। और इस लकड़ी से मैं 3 दिन हो गए रोटी करते करते, और एक टाइम तो अब भी हो जाएंगी इससे शाम को, और क्योंकि मैं ना साथ में ये उपले लग जरूर लगाती हूँ, मुझसे बगैर उपलों के रोटी नहीं हो पाती, तो इसलिए लकड़ी कम ही खर्च हुई है। और वैसे लकड़ी से ज़्यादा अच्छी बन जाती है जब साथ साथ में लकड़ी चलती रहे। और हमारे रोटी बनके हो गई हैं तैयार। तो फ्रेंड्स आज तो सबसे ज़्यादा गर्मी है, आज है 50 डिग्री से भी ऊपर ज़्यादा पहुँच गया है, लेकिन कल इलेक्शन है उसकी वजह से पता नहीं कैसे आज लेकिन बिजली दे रखी है, 12 बजे से ही बिजली आ गया कंटिन्यू, बीच में 1-2 कट लगे थे लेकिन अब फिलहाल बिजली आ रही है। और आज आगे से हटने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा, इतनी गर्मी, पता नहीं कैसे कैसे कटेगा आज का, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और बाकी पीछे का थोड़ा सा काम करके आ गई थी फटाफट, और अभी किचन में घुसने की तो हिम्मत ही नहीं हो रही। अब देखती हूँ अब किचन का काम करूँगी, और आज दिन में जो मेरा वो सूट अधवर रह गया था ना अधूरा, उसको मैंने पूरा कर दिया, लेकिन बटन अभी इसके मैचिंग के इसके थे नहीं मेरे पास, जैसे 2
चार इसमें चाहिए और पांच इसमें चाहिए, नौ बटन उस पर एक तरीके के नहीं हैं। अब मैं कस्टमर के पास फ़ोन करूँगी कि वो खुद लेके आए बटन। हाँ, और देखो कितना प्यारा लग रहा है ये बटन लगने के बाद ना, बहुत ही अच्छा जचेगा ये इस तरह का, जो कॉलर गले पहनते हैं। और ये हो गई इसकी बाजू इस तरह की, ये बाजू हो गई। और इसका कपड़ा थोड़ा सा कम था तो ये अंदर अंदर मैंने दूसरा कपड़ा लगा दिया है इधर भी, और इधर गले बनाने में भी यूज कर लिया था तो उसका हो गया था सारा कपड़ा, सारा कपड़ा हो गया। और काम करने की, कूलर के आगे तो हटने की हिम्मत ही नहीं हो रही, बोल रहे हैं कैसे कैसे काम होगा। पर बाकी देखो फ्रेंड्स, काम तो करने ही होंगे सारे ज़रूरी, क्योंकि खाना बनाना है। अब फटाफट से मैं किचन का थोड़ा थोड़ा काम कर लेती हूँ और बाहर आके या इसका फेस किचन की तरफ करती हूँ थोड़ा, उसमें हवा घूम के चली जाएगी। तो फ्रेंड्स अब लग जाते हैं काम में। और अब 5:30 हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती जा रही है और देखो पत्ता एक नहीं हिल रहा, हवा नहीं चल रही बिल्कुल भी। हमारा झंडा भी देखो बेचारा कैसा खड़ा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो फ्रेंड्स अब हम कर लेते हैं अपना काम। तो फ्रेंड्स घर में कोई नहीं है, पापा बाहर बैठे हैं, मम्मी है ही नहीं और बच्चे गए हैं पानी लेने। अभी दिन में बहुत भीड़ हो जाती है तो फिर ज़्यादा मिलते हैं बहने वाले, तो इस टाइम थोड़ा फ्री रहता है ना नल, तो इसलिए। और आज बनाया हमने खाने में दलिया फ्रेंड्स, आज हमने दलिया बनाया है और यहाँ कर लिया है सेरा, ठंडा होने के लिए रख दिया है, क्योंकि मैं बाहर रखती तो डॉगी वॉगी आते रहते हैं और इस टाइम गेट भी नहीं लगा पाते, तो इसलिए। बच्चे आ चुके हैं अब, लेकिन मैं इन्हें यहीं रखे रहने दूंगी ताकि, और इसे ऐसे घुमा दूंगी जो नीचे अंदर तक ठंडा हो जाए। और अभी पापा भी बाहर बैठे हैं तो थोड़ा सा, एक तो किचन में इतनी गर्मी हो रही थी, मैंने कहा किचन में तो कंटिन्यू कम ज़्यादा देर काम करना पड़ेगा, वही बस की बात। आज गर्मी का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था तो इसलिए मैंने सोचा दलिया ही बना लेती हूँ। और दलिया बनाए हुए भी कई दिन हो गए थे तो घर था भी नहीं, फिर पापा से तभी की तभी दलिया बनवाया चक्की से और फिर हमने बनाया, तो फिर मेरे पास थोड़ा सा टाइम बच जाता है, मैंने सोचा चलो मैं प्रेस ही कर लेती हूँ और इतने में दलिया भी ठंडा हो जाएगा। और पापा भी अभी बाहर बैठे हैं कुछ लोगों के साथ, फिर खाना खा के अपना करेंगे रेस्ट। और आज के ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे समाप्त, तब तक की हमारी सबको राम राम, नमस्ते, गुड नाइट, ओके बाय।